Assalamu alaikum, aspirants. Today we are going to start with the subject of Islamic history and culture. So we are discuss all the outline topics one by one. So let's start with the first topic for today. Pre-Islamic Near East and overview. So इसमें हम discuss करेंगे political, social, cultural, religious and economic conditions in the Near East, including Arabia before the dawn of Islam. So Near East before the advent of Islam was a complex region with various political, social, cultural, religious and economic system. It included ancient civilizations like Persia, Byzantium and Arabia, each contributing to the region's rich and diverse heritage. So this period known as Jahalat in the urban context represents the age of ignorance before Islam transformative influence. मशरक़ के करीब के सियासी हालात कबल इस्लाम कैसे थे और जो सासानी सल्तनत थी उसका हुकूमत का निज़ाम क्या था और मशरक़ के करीब में फ़ारस की सल्तनत के अहम हरीफ कौन थे और इस्लाम से पहले अरब की सियासत की तंजीम कैसी थी. सो जो इस्लाम था कबल इस्लाम यानी मशरक़ के करीब, तो मशरक़ के करीब में इस्लाम की आमद से पहले का जो दौर था वो एक पेचीदा इलाका था जिसमें मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सकाफती और मजहबी इक्तसादी निज़ाम शामिल था और इसमें जो पुरानी तहजीबें थीं जैसे कि फ़ारस है या बाज़नतीनी है और अरब, ये सारी तंजीमें इसके अंदर शामिल थीं और हर एक ने इस खित्ते की अमीर और जो डाइवर्स लेगेसी है उसमें अपना हिस्सा डाला. सो पॉलिटिकल कंडीशंस इन द नियर ईस्ट बिफोर इस्लाम. पर्शियन अम्पायर, तो इस जो फ़ारस की सल्तनत थी यानी सासानी सल्तनत, तो फ़ारस की सल्तनत जिस पर सासानी हुक्मरान जो थे वो हुकूमत करते थे और इस खित्ते के दो डोमिनेंट पावर थी तो उनमें से ये एक थी और इसके पास एक मुनज़्ज़म और मरकजी हुकूमत थी. उसके पास बाद जो बादशाह थे यानी फ़ारस के हुक्मरान ने किस तरह से बादशाह कायम की जिस पर सासानी हुक्मरान हुकूमत करते थे, तो फ़ारस के हुक्मरान जो थे वो या फिर शहनशाह उनके पास जो कुव्वत होती थी वो एब्सोल्यूट पावर होती थी उनके पास और उन्हें इलाही शख्सियत भी समझा जाता था. देन नोबिलिटी एंड ज़ोरोस्ट्रियन प्रेसिस्ट, नौबत और ज़र्दशी का जो यानी पुजारी थी वो हुकूमत, तो नौबत और ज़र्दशनी जो मज़हब था वो अशराफ़ी की हमायत से इसको चलाई जाती थी और जिसने एक दर्जा बंद मुआशा तश्कील दिया था. और बाज़नतीनी के साथ जो मसलसल जंगें हुई यानी फ़ारस की जो सल्तनत थी वो अक्सर अपने हरीफ बाज़नतीनी सल्तनत के साथ जंग में मसरूफ रहती थी जो वक्त के साथ दोनों सल्तनतों को कमज़ोर कर देती थी. सो बाज़नतीनी जो सल्तनत थी और मशरक़ी रूमी सल्तनत, तो ये मशरक़ के करीब के बड़े हिस्से पर काबिज़ थी जिसमें ईसाई की यानी ईसाई बादशाह थी. बाज़नतीनी बादशाह को सियासी और मजहबी रहनुमा समझा जाता था. सो उसके बाद जो इनकी मिलिट्री पावर थी यानी फौजी ताकत, तो बाज़नतीनी जो फौजी थे वो यानी बाज़नतीनी फौजी तौर पर जो तरक्की याफ्ता थी लेकिन खास तौर पर जो फ़ारस के साथ उसकी जंगों और जो दाखिली मजहबी तकसीम थी उसकी वजह से ये फैल गई थी. देन हम डिस्कस करते हैं इसके सूबाई गवर्नर को. तो इख्तियारात सूबों में गवर्नरों को दिए गए थे, तफवीज़ किए गए थे लेकिन ये अक्सर मुसर नहीं थे, खास तौर पर जो दूर दराज इलाके थे इस तरह के शाम और मिस्र वगैरह. और जजीरा नुमा अरब था बिफोर इस्लाम. अरेबिया वाज पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेड. सो जो किबला कबीला निज़ाम था, मुआशरा जो था वो कबीलों के गिर्द मुनज़्ज़म था जिसमें कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी और कबीलों के सरदार जो थे वो शेख होते थे यानी अपने ग्रोह में वो ताकत रखते थे. और मक्का और जो यानी कुरैश कबीला था, तो मक्का जो कुरैश कबीला के कंट्रोल में था, ये तिजारत और मजहब का एक अहम मरकज़ बन गया था जहाँ काबा मौजूद था जो एक मुकद्दस मजहबी मकाम है. देन सोशल कंडीशंस इन द नियर ईस्ट. अब हम डिस्कस करते हैं कि मशरक़ के करीब के समाजी हालात क्या थे. सो पर्शियन सोसाइटी जो थी यानी जो फारसी माशरा था वो तबकाती माशरों में तकसीम था यानी फारसी माशरा एक सख्त दर्जा बंद यानी माशरा था जिसमें नौबत और पुजारी, सिपाही और आम लोग इसके अंदर शामिल होते थे. अब औरतों का क्या किरदार था फारसी माशरे के अंदर, तो औरतों के हकूक इस माशरे में महदूद थे लेकिन नौबत की औरतें कभी कभार अपने ख़ानदानों और दरबारों में इन्फ्लुएंस हासिल कर सकती थी. उसके बाद बाज़नतीनी जो सोसाइटी थी उसका क्या
निजाम था तो शहरी और दही तकसीम थी। इस मुआशरे में बाजनतीनी मुआशरा अमीर शहरी अशराफिया और दही किसानों में तकसीम था, तो जिससे कसस्तनिया तिजारत और इल्म के मराकज थे। उसके बाद है ईसाइत का असर। ईसाइत ने समाजी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया, जिसमें चर्च तालीम थी, खैरात थी और सियासत में वो लोग शामिल होते थे। सो अब हम डिस्कस करते हैं अरेबियन सोसाइटी। सो ट्राइबल लॉयल्टी, लॉयल्टी टू वंस ट्राइब वाज पेर अमाउंट एंड इंटर ट्राइबल फ्यूड्स वर कॉमन एंड वुमेन स्टेटस। वुमेन इन प्री इस्लामिक अरेबिया had limited rights and were often treated as a property. So however, some women in noble tribes like Khadija, later wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, could gain influence in business. To arbi muashre ke andar jo kabila tha wo wafadar tha, yani kabile ki jo wafadari thi wo intihai aham thi aur kabilon ke darmiyan jhagde bhi aam hote the. Ab is muashre mein auraton ka kya maqam tha? तो इस्लाम से पहले अरब के अंदर औरतों के हकूक महदूद थे और उन्हें अक्सर मलकियत की तरह यानी समझा जाता था। लेकिन कुछ जो नौबती कबीले थे उनमें जैसे कि खदीजा थी, तो वो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनी, तो कारोबार में उनका जो इन्फ्लुएंस था वो यानी बाकी अरब मुआशरे में मौजूद औरतों के मुकाबले में ज़्यादा था, वो इन्फ्लुएंस रखती थी। और उसके बाद जो यानी शायरी और ज़बानी रवायात थी अरब सोसाइटी के अंदर, तो शायरी जो थी वो अरबी सकाफत का एक मरकजी एस्पेक्ट थी, जो कबीले की तारीख और उनके वैल्यूज़ को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसके कल्चरल कंडीशंस को इन द नियर ईस्ट पर्शियन कल्चर। तो पर्शियन कल्चर जो मशरक करीब के सकाफती हालात थे उसमें फारसी सकाफत किस तरह की थी, तो जो जरदशनी मज़हब था, तो ये जो यानी डोमिनेंट रिलीजन था, जरदशनी जो एक मुखालिफ मज़हब था, इसमें जो फारसी फ़न अदब और फन तामीर को ये मुतासर करता था, और जो आग आग के यानी मोबेद होते थे वो अहम मजहबी मराकज़ होते थे। उसके बाद एजुकेशन एंड लर्निंग, यानी तालीम और इल्म कैसा था। तो फारसी जो इल्मी ज़िंदगी थी वो बहुत तरक्की याफ्ता थी, जिसमें साइंस, फलसफा और तिब में जो शराखतें थी वो शामिल थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बाजनतीनी सकाफत को। तो इस जो ईसाई फ़न और फन तामीर है, यानी जो बाजनतीनी सकाफत है वो ईसाइत से बहुत मुतासिर हुई, जो कि चर्चों और मजहबी फ़न की तामीर में ज़ाहिर होती है। देन ग्रीक इन्फ्लुएंस, द बाजनतीनियंस प्रिजर्व्ड एंड बिल्ट अपॉन द ग्रीक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, पार्टिकुलरली इन फिलासफी एंड मेडिसिन। और बाजनतीनियों ने यूनानी इल्मी रवायात को महफूज किया और इस पर इजाफा किया, खास तौर पर फलसफा और मेडिसिन में, तिब में। सो उसके बाद है अरबियन कल्चर। ओरल लिटरेचर, प्री इस्लामिक अरबिया हैड अ रिच ट्रेडिशंस ऑफ ओरल पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग, फेमस पोइट्स वर हाईली रिस्पेक्टेड। तो अरबी सकाफत के अंदर जो जबान और अदब था, इस्लाम से पहले अरब में जबानी शायरी और कहानियों की एक अमीर रवायात थी। मशहूर जो शोरा थे वो बहुत इज्जत और वक़ार रखते थे, और इसके अलावा बुत परस्ती और मजहबी मकामात थे, यानी मक्का में काबा मुख्तलिफ खुदाओं के बुतों का घर था, जो कि कई कबाइल के जरिए इनको पूजा जाता था, यानी बहुत से कबीले इसको पूजा करते थे। फिर मशरक़ के करीब के मजहबी हालात का हम जायज़ा लेते हैं, तो फारसी में जरदशी मज़हब को देखें, तो जो यानी वाहिद खुदाई रहमत है, जरदशी जो मज़हब है वो यानी कि जो मज़दा है उसकी इबारत के ऊपर ये मरकूज़ है, जो कि आला खुदा है और अच्छे और बुरे कुवतों के दरमियान जदोजहद के ऊपर तवज्जो देता है। और इसके अलावा जो मजहबी दर्जा बंदी है, यानी जरदशी जो पुजारी थे वो फारसी माशरे में अहमियत रखते थे, जो मजहबी और समाजी ज़िंदगी को कंट्रोल करते थे। तो जरदशी मजहब यानी हवारा मजदा की इबारत के ऊपर यानी ज़्यादा ये फोकस करता था, और इसके जो यानी कि इस इबादत से मुराद क्या है कि आला खुदा है, जो हवारा मजदा है ये आला खुदा है और अच्छे और बुरे कुवतों के दरमियान जदोजहद के ऊपर तवज्जो देता है। और मजहबी दर्जाबंदी मौजूद थी, जरदशी यानी पुजारी करते थे और फारसी माशरे में अहमियत रखते थे। इसके अलावा बाजनतीनी जो सल्तनत थी उसमें ईसाइत क्या थी, यानी रियासत का मजहब क्या था। तो ईसाइत जो थी वो बाजनतीनी सल्तनत का सरकारी मजहब था, जिसमें बादशाह मजहबी अमूर में अहम किरदार अदा करता था।
उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि मजहबी फिरके, तो मजहबी जो बाज़ुद्दीन सल्तनत थी उसको अंदरूनी तकसीम का सामना था, खासतौर पर जो चालकियोडनी ईसाइयों यानी आर्थोडॉक्स और इसके अलावा मोनोफिजाइट्स इसके अंदर थे, यानी कि कपट और सोराई इसके दरमियान। और उसके बाद जो अरब में बुत परस्ती की जाती थी, यानी अरब के अंदर बुत परस्ती किस तरह से की जाती थी, कबीलों के खुदा होते थे और हर कबीले के यानी अपने अपने खुदा होते थे, और मजहबी तरीके जो थे वो अरब जजीरों नुमा भर में मुख्तलिफ होते थे। सो काबा को मजहबी मरकज के तौर पर देखा गया था। काबा मक्का में मुख्तलिफ कबाइल के लिए एक अहम जियारत गाह थी, जो कि कई बुतों का घर था और ताजरों और मजहबी जो जायरीन थे उनको ये अपनी तरफ मुतवज्जा करता था। उसके बाद है इसके अंदर हनीफी, यानी कुछ जो अरब थे और जिन्हें हनीफी कहा जाता था, वो बुत परस्ती को उन्होंने यानी खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, और जप्ता परस्ती के अकीदे की वो पैरवी करने लगे थे, जो कि यहूदियत और ईसाइयत के यानी मशाबा भी थी, तो हालांकि बगैर किसी ये मनजब मजहब के थे। देन इकोनॉमिक कंडीशंस इन द नियर ईस्ट, मशरक के करीब के इक्तसादी हालात क्या थे। अगर हम डिस्कस करें फारसी मईशत को, तो इसमें जो ज़रात और तिजारत थी, तो फारसी मईशत ज़रात खासतौर पर जो मेसोपोटामिया की जरखेज ज़मीन थी और सल्तनत थी, यह पूरे सल्तनत में ये तिजारत के ऊपर मुनहसर करती थी। और इसके अलावा इसमें सिल्क रोड थे, यानी फारस सिल्क रोड तिजारत में एक अहम किरदार अदा करता था, जो कि मशरकी एशिया को बहिर रूम से जोड़ता था, जिसने दौलत को तो लाया लेकिन सल्तनत को हमलों के लिए भी कमजोर कर दिया। उसके बाद बाज़नतीनी मईशत किस तरह की थी, बहिर रोम में तिजारत की जाती थी, बाज़नतीनी सल्तनत यूरोप अफ्रीका और एशिया के दरमियान तिजारत का एक अहम मरकज थी, जो कि सिल्क रोड और बहिर रोम के अहम तिजारती रास्तों के ऊपर भी काबिज थी। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसका करेंसी और इसकी टैक्सेशन, यानी कि करेंसी का किस तरह से निज़ाम था और टैक्स का निज़ाम क्या था इस मईशत के अंदर। तो बाज़नतीनी के पास जो मुस्तहकम थी वो मुस्तहकम करेंसी थी और मुसर उनके पास टैक्स का निज़ाम था, हालांकि भारी टैक्स जो था वो अक्सर किसानों की बगावत का सबब बनता था। सो अब हम देखते हैं कि जो अरबी मईशत है, अरबी मईशत में क्या थी, कारवान तिजारत थी, यानी अरब की मईशत ज़्यादातर तिजारत के ऊपर मबनी थी, खासतौर पर जो मगरबी इलाके थे, वेस्टर्न जो रीजन थे हिजाजी में। तो कारवान तिजारत रास्ते में यमन, लिवानत और फारस को जोड़ते थे, जिसने मक्का और मदीना जैसे शहरों को अहम तिजारती मराकज बना दिया। उसके बाद इसमें है बदवी और मुस्तकिल जिंदगी। तो अरबी मुआशरा जो था वो बदवी और बेडविन जो कि मवेशियों की परवरिश करते थे, और बाकायदा ये कम्युनिटीज में ये तकसीम थी जो कि तिजारत और ज़रात में ये शामिल थी। फिर हम देखते हैं इलाके में मजहबी तहरीकें भी मौजूद थी। तो मजहबी तहरीकें कौन सी मौजूद थी, यहूदियत और ईसाइत मौजूद थी, यहूदी कम्युनिटियाँ थी यानी अरब में खासतौर पर मदीना और यमन के शहरों में अहम यहूदी कम्युनिटीज मौजूद थी। ईसाइत का क्या इन्फ्लुएंस था, ईसाइत जो थी वो बाज़नतीनी सल्तनत के जरिए अरब जजीरा नुमा में फैल गई थी, और ख़ास तौर पर निजरा और इसके अलावा जो इसमें गसानी थी, गसानी यानी अरबों के अंदर। सो इसके अलावा इसके अंदर था जो मेंचाइज्म है, मेंचाइज्म यानी एक दोगाना मजहब है जो जरदशती ईसाइत और बुद्ध मत के जो यानी फैक्टर्स हैं, अनासर हैं, उनको मिलाकर जो है वो मेंचाइज्म मशरक करीब में फैला। लेकिन जो बाज़नतीनी और इसके अलावा इसमें फारस की हुकूमतें थी उनकी जानिब से जुल्म सितम का इसको शिकार बनाया गया था। सो नेक्स्ट है कि मजदकियत, यानी फारस में एक तरक्की पसंद समाजी तहरीक मजदकीत ने दौलत और वसाइल की मुश्तरका तकसीम की, उन्होंने वकालत की थी। देन लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पर्शियन इलाइट, और ये जो मजदकियत थी इसने मुश्तरका तकसीम की वकालत की, जिसने फारसी और अशराफिया के साथ तनाज़ा पैदा किया। सो नियर ईस्ट बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम वाज अ रीजन मार्क्ड बाय पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। द पर्शियन एंड बाइजेंटाइन एम्पायर्स डोमिनेटेड द रीजन बट वर वीकेंड बाय कॉन्स्टेंट वॉर्स एंड इंटरनल स्ट्राइफ। इस्लाम के अरूज से पहले मशरक के करीब एक ऐसा इलाका था
जो सियासी इंतशार मजहबी डाइवर्सिटी और इकतसादी कोऑपरेशन के इनसार से भरा हुआ था और फास और बाज नदीनी सल्तनतें खित्ते पर हावी थी, लेकिन मसलसल जंगों और अंदरूनी मसाइल की वजह से ये कमज़ोर हो गई थी। सो अरेबिया दो पोलिटिकल डिस यूनाइटेड वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड एंड कल्चर। द प्री इस्लामिक वर्ल्ड लेड द फाउंडेशन फॉर रेपिड एक्सपेंशन एंड एक्सपेंटेंस ऑफ इस्लाम एज इट ब्रॉड सोल्यूशंस टू मेनी ऑफ द सोशल पोलिटिकल एंड रिलीजियस इशूज ऑफ द टाइम। लेकिन तजारत और सकाफत का यह अहम मरकज थी अरब के अंदर, ये सियासी तौर पर तो बिखरा हुआ था लेकिन तजारत और सकाफत के लिहाज से अहम था। तो इस्लाम से पहले की दुनिया ने इस्लाम की तेज़ रफ्तार तोसी और कबूलियत के लिए बुनियाद फराम की, क्योंकि ये उस वक्त के बहुत से समाजी सियासी और मजहबी मसाइल के हल पेश करती थी। सो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि मशरक के करीब के सियासी हालात कबल अज इस्लाम कैसे थे, सासानी सल्तनत का हुकूमत का क्या निज़ाम था, मशरक के करीब में फ़ारस की सल्तनत के अहम हरीफ कौन थे, इस्लाम से पहले अरब की सियासी तंजीम कैसी थी, मशरक के करीब के समाजी हालात में हमने देखा कि फारसी माशरे में औरतों का क्या किरदार था और बाज़ नतीनी माशरे में शहरी और दही आबादियों में क्या फ़र्क था। इस्लाम से पहले अरबी माशरत में कबीले की वफादारी की अहमियत क्या थी, मशरक के करीब के सकाफती हालात किस तरह के थे, फारसी सकाफत में ज़रदशी मजहब का किरदार क्या था। देन हमने डिस्कस किया कि बाज़ नतीनी सकाफत ने यूनानी इल्मी रवायात को भी महफूज किया और अरबी सकाफत में ज़बानी अदब की अहमियत क्या थी, मशरक के करीब के मजहबी हालात क्या थे, इसको हमने डिस्कस किया। ज़रदशीनी मजहब की बुनियादी अकायद, बाज़ नतीनी सल्तनत ने ईसाइत पर किस तरह से असर डाला था, इस्लाम से पहले अरब में बुनियादी मजहबी तरीके क्या थे, मशरक के करीब के इक्तसादी हालात को हमने डिस्कस किया कि फ़ारस की सल्तनत में कौन से इक्तसादी सरगर्मियाँ थी और बाज़ नतीनी मईशत में तजारत कैसे काम करती थी। फिर अरबी मईशत में कारवान तजारत की अहमियत क्या थी, हमने स्टडी किया कि इलाके में मजहबी तहरीकें क्या थीं, यानी यहूदियत और ईसाइत जो थी वो अरब जजीरा नुमा में कैसे फैली, मंचाइज़म का मतलब क्या था और क्यों इसे जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, और मज़दकी तहरीक ने फ़ारस में कौन से समाजी नज़रियात की वकालत की। देन हमने डिस्कस किया मशरक के करीब के सियासी और समाजी हालात ने इस्लाम के अरूज के लिए किस तरह से बुनियाद फराहम की। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।